स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संघ प्रधान नरेश कुमार शर्मा को राज्यपाल द्वारा बतौर अध्यापक सम्मानित करने पर संघ ने आज उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उनके साथ संघ के और भी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि वह सरकार और राज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और अध्यापकों की समय समय पर होने वाली हौसला अफजाही के लिए वह धन्यवाद करते हैं। वहीं पर मौजूद पुरुषोत्तम कालिया ने कहा कि हमारे संघ में से किसी व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा सम्मानित करना एक गौरव की बात है, जिसके चलते आज हम प्रधान नरेश को सम्मानित कर रहे हैं और इस गौरवमय पल के लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का और आज हमारे जिला स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संघ के संपूर्ण सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कि मुझे इस अवसर पर जो है वो सम्मानित किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह जो अवार्ड मिला है ये राज्य शिक्षक पुरस्कार के रूप में मिला है। हिमाचल प्रदेश सरकार अध्यापकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, जो अध्यापक समाज में बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनके मनोबल को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है अध्यापकों को पुरस्कृत करती है। इसी कड़ी में इस वर्ष के लिए मुझे राज्य पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। मेरे संघ के संपूर्ण सदस्यों ने मुझसे ये आग्रह किया था कि आप जरूर आज आएँ, आज आपको हमने सम्मानित करना है, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिवार संघ से भी संबंधित हूँ। हाँ जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण संघ के जिला के प्रधान श्री नरेश कुमार शर्मा जी, इनको इस वर्ष 5 सितंबर को शिमला में राज्यपाल द्वारा स्टेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये हमारे संघ के लिए बड़ी मान और सम्मान की बात है। हमने आज इनको बुलाया था ताकि इनको हम यहाँ अपने संघ द्वारा सम्मानित करते, तो ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे लिए ये बड़ी खुशी का पल है कि हमारे परिवारों से जो कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, स्कूलों में सुधार कर रहे हैं, उनके जो कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए इनको सरकार ने जो है वो चयनित किया था और इनको सम्मान, शिक्षक सम्मान जो है वो मिला है। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह ये अपने कार्य जो है वो करते रहेंगे और अपना स्कूल का नाम और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे।